हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी दोस्तों हम आए हैं आनंद कार एसेसरीज़ में, ऑफलाइन मार्केट में। बेसिकली उनके शॉप से हम पायनियर का MVH G219BT ये ऑडियो प्लेयर लगाने वाले, टच स्क्रीन ऑडियो प्लेयर लगाने वाले हैं। तो ये है आनंद कार एसेसरीज और ये है श्री आनंद प्रजापति अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारे लिए पायनर की, पायनर ऑडियो प्लेयर की। तो ये है रिमोट कंट्रोल, उसके बाद ये है वारंटी कार्ड, ये है स्क्रूज माउंटिंग के लिए, फिटमेंट के लिए। यह है स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल कनेक्टर, कुछ कपलर्स कनेक्शंस के लिए, ब्रोशर, और यह है फ्रेम। इनकेस अगर फिटिंग के टाइम कोई गैप रहता है तो उसको फील करने के लिए यह है। उसके बाद यह है हेड यूनिट। तो अभी ये मेन यूनिट हम ओपन करके देखेंगे दिखने में कैसा दिखता है। तो ये अभी ओपन हो गया है और 6.2 इंच की टच स्क्रीन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। उसके बाद साइड व्यू, बैक व्यू जिसमें करंट, एंटीना, स्पीकर्स और रियर कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए जगह है। तो ये कुछ ऐसे दिखता है रेयर से। अभी हम मेरे कार में आए हैं, मेरी कार है स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट। तो आनंद प्रजापति जी खुद इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन में दोस्तों टाइम जा रहा है, जाने वाला है, और आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो ये वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। दोस्तों इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम कपलर कनेक्ट करने वाले हैं। तो जो अभी नया कपलर है वो जो मेन कार का कपलर है, फीमेल कपलर, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आनंद जी ने ये कर दिया है। अभी ये जो एंड है ये हेड यूनिट को कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ एंटीना और रेयर कैमरा कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक बार इग्निशन ऑन करके चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले और पावर सप्लाई बराबर आ रहा है कि नहीं। तो डिवाइस चालू हो गया वेरी क्विक, और यहाँ पे आनंद जी सेटिंग कर रहे हैं, रेडियो स्टेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ कि ऑडियो क्वालिटी है, रेडियो की ऑडियो क्वालिटी है, इट इज़ बहुत ही क्रिस्प है, जैसे कि आप सीडी सुन रहे हो इतनी क्रिस्प है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो पायनियर का सिस्टम है इसमें सीडी प्लेयर नहीं है। बेसिकली इसमें और एक वेरियंट आता है जिसमें सीडी प्लेयर है, बट हमने इसको एक्सक्लूड किया है मेरे रिक्वायरमेंट से, बिकॉज नाउ डेज सीडी कोई यूज़ नहीं करता है। तो और सीडी आपको मिलेगी भी नहीं, सब ऑन द गो चलता है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कीजिए और प्ले कीजिए। अगर ब्लूटूथ नहीं चलाना है तो पेन ड्राइव और एसडी कार्ड का ऑप्शन है ही।
तो ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, स्क्रीन। और अभी आनंद जी चेक कर रहे हैं सेटिंग्स, साउंड्स। दोस्तों इसमें और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कार में ऑलरेडी एक टू चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, और मेरे पास JBL का 1200 वॉट्स का एक सब वूफर भी मेरे डिक्की में लग रखा हुआ है। तो अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, आनंद जी ने चेक किया है, तो अभी ये फाइनली क्लो ओपन किए हुए डोर्स क्लोज कर रहे हैं। तो सब इंस्टॉलेशंस एंड फिटिंग हो चुकी है दोस्तों, और अभी आनंद जी चेक कर रहे हैं, सेटिंग्स बना रहे हैं उस। इसमें और एक चीज़ है, इसके जो इक्वलाइजर है बहुत ही अच्छे हैं। और सेकेंडली दोस्तों, ये मैंने शूट किया था आउटडोर, तो आगे के वीडियो में आपको थोड़ा नॉइस मिलेगा, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। To create a song, I don't want this to be. Friends, if you like this video, please subscribe this channel, press the bell icon, and stay tuned for more such informative videos.